सो वेलकम बैक टू डिजिटल हैदर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं और कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं, महाना अपना एक इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं और सही वीडियो पर आए हैं। मैं इसी से ही रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूँ, जिन पर आप अमल करके महाना घर बैठे अपने आसानी से किचन मनी निकाल सकते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी, वो बनाई थी गेम से रिलेटेड, कि आप किस तरह से फ्री में गेम बनाएंगे, पे आप मोनेटाइजेशन अप्लाई करेंगे, डिफरेंट एड्स लगाएंगे। ये सब सेटअप जो था वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ये वीडियो वॉच कर लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी गेम पर फ्री में ट्रैफिक ला सकते हैं और फ्री में आप किन-किन स्टोर्स पर लिस्ट कर सकते हैं। आज उन्हीं में से एक स्टोर पर हम अपनी गेम लिस्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डिजिटल हैदर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें जिनसे आप बेनिफिट ले सकें। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं लास्ट वीडियो का बता देता हूं कि हमने इस टाइप की गेम्स बनाई थी। ये देखें, ये बिल्कुल मजे की गेम्स हैं। इसमें एड्स भी शो होती हैं, इसमें आपकी डिफरेंट गेम्स ऐड कर सकते हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं, चार पांच गेम्स मैंने ऐड की थी और इस ऐप को हमने कंप्लीट बनाया था, सिर्फ ओवरव्यू दिया था मैंने। इसमें चार पांच गेम्स मैंने ऐड की थी और आपको मैंने बताया था कि आप किस तरह से इसको मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, इसको बेहतर बनाना चाहते हैं। आप अपनी HTML गेम भी इसमें मैनुअली ऐड कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। तो ये पिछली गेम हमने बनाई थी, इसमें ही एड्स भी शो होंगी, मोनटैग की एड्स भी शो हो सकती है। इसमें और भी डिफरेंट यूनिटी एड्स था, वो भी हमने इसकी एड्स सेटअप कर ली थी। यूनिटी एड्स की एड्स भी मैंने आपको दिखाई थी। तो ठीक है, आज की जो वीडियो है उसको मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से वेबसाइट पर लिस्ट करना है फ्री में। अच्छा, पहले मैं आपको वेबसाइट की ट्रैफिक बता देता हूं कि जिस पे हम अपनी गेम पब्लिश करने वाले हैं, लिस्ट करने वाले हैं। इसकी ट्रैफिक देखें, 60.9 मिलियन, मतलब 70 मिलियन के करीब इस पर ट्रैफिक है टोटल। और टॉप टायर कंट्रीज देख लें, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम, मतलब टॉप टायर कंट्रीज से ट्रैफिक आ रही है और 73% सर्च से आ रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज्यादा ट्रैफिक है इस वेबसाइट पर। हम इस साइट पर आज गेम लिस्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको मोनेटाइजेशन जो हमने अप्लाई की थी यूनिटी एड्स की, ये सारा जो तरीकेकार था ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो आपकी जो भी अर्निंग होगी, जितने भी आपके इंप्रेशन आएंगे, वो इस डैशबोर्ड में आपको शो होते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं, ECPM भी यहाँ पे शो हो रहा है। जितने ज्यादा इंप्रेशन आएंगे, मतलब 1000 इंप्रेशन पर 1000 एड व्यूज जब दिखेंगे आपके, इतने ECPM आपको अगर जितना भी मिल रहा होगा उस पर आपको उतनी अर्निंग हो जाएगी। अभी मैंने इस पे काम प्रॉपर नहीं शुरू किया, आप इस पे प्रॉपर काम करेंगे, डिफरेंट जो मैं साइट्स बताता रहूंगा वहां पे आप लिस्ट करेंगे तो आपके पास ट्रैफिक भी आने लग जाएगी। ये अभी आप मेरा डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये एम्प्टी है और अर्निंग नहीं है, सिर्फ ECPM मुझे मिला हुआ है और ये 3 इंप्रेशन काउंट हुए हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ एपी के प्योर वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पे इसको स्क्रोल डाउन कर लेना है। यहाँ पे आपने एक ऑप्शन देखना है, डिवेलपर कंसोल, ये आप देख रहे होंगे, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है आपने और आपने लॉग इन विद गूगल कर लेना है। मैं लॉग इन विद गूगल करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स जो है वो फुलफिल कर लेनी है सारी। यहाँ मैंने रजिस्टर किया और ये मुझे डैशबोर्ड में ले आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप एड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे सिंपल। यहाँ पे आप पैकेज नेम देना है आपने। पैकेज नेम कहाँ से लेना है आपने, सिंपल आपने ऐप क्रिएटर 24 पर जाना है, आपने अपनी जो ऐप बनाई होगी उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जनरल इन्फो, इस पे आपने जाना है। उसके बाद नेम एंड आइकन पर क्लिक करना है, ये आप देख रहे होंगे पैकेज नेम, ठीक है, ये आपने कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ऐप का नेम क्या है, जो भी आपने नेम रखा होगा वो सेम आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद पोस्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ये पॉपअप आ जाए या नोटिफिकेशन आ जाए, आपने क्या करना है, पैकेज नेम जो है वो उसमें थोड़ा चेंजिंग कर देनी है, थोड़ी तब्दीली कर देनी है। ठीक है, मैंने तब्दीली की तो ये मेरा पैकेज नेम एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, मैं यहाँ से गेम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का बोलेंगे। आपने जिस भी कैटेगरी की गेम बनाई होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इनमें से देख लेता हूँ जो भी मैच करती है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं स्पोर्ट्स कर लेता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे ऐड एन आइकन, इस पर क्लिक करना है आपने, ये हमारी ऐप का आइकन आ गया। और यहाँ से कंटेंट रेटिंग जो है वो आपने दे देनी है। प्राइवेसी पॉलिसी URL आपसे मांगेंगे, सेम आपने इसके लिए भी ऐप क्रिएटर पर जाना है। ऐप क्रिएटर पर जाके आपने यहाँ पे जनरल पर क्लिक करना है। जनरल के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये आप देख रहे होंगे वेब एड्रेस, इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। टाइटल हमारा मिनी गेम्स आ गया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखवा लेनी है, आपने ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो पहले से लिखी हुई होगी ये थी, इसको कॉपी करना है ऐप डिस्क्रिप्शन को और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ये कह रहा है 80 करेक्टर्स की, मैं क्या करता हूँ इसको कट करता हूँ और ChatGPT को ओपन करके इससे 80 करेक्टर्स की लिखवा लेता हूँ। 80 करेक्टर्स में कन्वर्ट कर दो रीराइट करके। ठीक है, इसने मुझे करके दे दिया,
यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद फुल डिस्क्रिप्शन जो है, फुल डिस्क्रिप्शन आप वही दे सकते हैं। उसको कॉपी किया, यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन आ गई। आप ये फुल डिस्क्रिप्शन जो है वो 4000 वर्ड्स की दे सकते हैं। मैंने जो है, जो मेरी पहले से ऐप में थी, वो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। स्क्रीनशॉट्स के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी ऐप को ऑन करना है। जो भी आपने गेमिंग ऐप बनाई है या कुछ भी बनाया है, उसको ऑन करके उसकी जो ऐप के स्क्रीनशॉट्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस में जाके वो स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के हो गए या किस तरह से प्ले करना है, वो सब स्क्रीनशॉट्स आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। मैं ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ आप। तो जी, मैं ऐप के जो है वो स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। मैंने जितनी भी गेम्स हैं उनके जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो स्क्रीनशॉट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ इधर। जितने भी आपके स्क्रीनशॉट्स हो, जरूरी जो आपको लग रहे हैं, वो आपने अपलोड कर देने हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आपने फीचर ग्राफिक जो है वो ऐड करनी है। उसका साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1024x500 साइज होना चाहिए उसका। तो मैं क्या करता हूँ, रेंडमली अभी कोई भी यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, आपने इमेज को जो है वो रिसाइज कर लेना है इसी साइज में। अगर आप किसी और साइज में डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने रिसाइज कर लिया ऑनलाइन टूल से, ये आप देख रहे होंगे इमेज रिसाइजर, इसे मैंने रिसाइज किया इमेज को और अब यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने ऐड अ फीचर इमेज, इस पे क्लिक करना है। ये ग्राफिक जो आप देख रहे हैं, साइज आपका जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपकी इमेज जो है वो अपलोड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, ये आपसे फाइल मांगेगा। फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको सेम वहीं पर जाना है आपने जहाँ पे ऐप क्रिएट की होगी। यहाँ पे आप डाउनलोड ऐप पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखी भी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने अपलोड कर दी, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अपलोड पर क्लिक किया मैंने, ये देख रहे हैं अभी ये अपलोड हो रही है। ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। जैसे ही अपलोड होगी, ये आपके सामने पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। आपने पब्लिश पे क्लिक करना है और पेंडिंग में चली जाएगी। अगर कोई आपकी गलती नहीं होगी ऐप में, प्रॉपर आपने ऐप बनाई होगी अच्छे तरीके से, तो ये कुछ देर बाद, कुछ दिन लग सकते हैं, 2-4 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये आपकी जो ऐप है वो एपी के प्योर पे पब्लिश कर दी जाएगी और आपको वहां से ट्रैफिक मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऐप बना के उसको पब्लिश करना है एपी के प्योर पर। आज की वीडियो में मैंने आपको एपी के प्योर का मेथड बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और मेथड बताऊंगा, एक और स्टोर ढूंढ के आऊंगा जहां पे आप अपनी ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और डिजिटल हैदर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।